गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सुबह के 11:45 हो रहे हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं कहाँ? आज फिर रेडी है नो भटूरे खाने और चीकू के ईयर में बहुत ज़्यादा वैक्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको ड्रॉप्स तो उसके कान में डाल दिए थे, क्योंकि डॉक्टर के मैं लेके जाता हूँ ना, जब भी तो डॉक्टर पे लग जाता है कि 3 दिन ये ड्रॉप्स डालो, ये दवाइयाँ खाओ, उसके बाद निकालूंगा वैक्स। तो आज मैंने पहले इसको 3 दिन मैंने ड्रॉप्स डाल दिए हैं, अब इसका वैक्स निकलवाएंगे आज, ठीक है चीकू? तो चीकू काफ़ी परेशान था, इसको इचिंग होती है काफ़ी कान के अंदर, उसका एक्चुअली कान का जो होल है वो बहुत छोटा है। हाँ, और ज़्यादा बड़ा बड़ा के बोल लेगा इसको, इतनी खुजली करता था। तो एक्चुअली इसका ईयर होल जो है वो काफ़ी छोटा है, तो उसमें नॉर्मल ईयरबड्स नहीं जाते, जैसे कि आदि का बड़ा है, आदि का नॉर्मल जैसे हमारा होता है वैसा ही है, इसका कुछ ज़्यादा ही छोटा है तो बड्स नहीं जाते, उससे दिक्कत होती है इसको बैक क्लियर करने में। तो अभी डॉक्टर के लिए चलते हैं और नीचे पहले मिलेंगे भटूरे पे, पहले भटूरे खाएंगे क्योंकि भूख लगती है बहुत तेज, उसके बाद हम डॉक्टर के पास मिलेंगे। सो फाइनली हम भटूरे की शॉप पे आ गए, ये है वो शॉप। भाई अच्छी भीड़ रहती है, गाड़ियाँ बाइक वाइक सब इसी खड़ी है, पीछे वाला ग्राउंड भी इसी का ही है, यहाँ पे बैठा के खिलाता है, हम तो अपना गाड़ी में बैठ के खाएंगे। बेटा वो बहुत अमीर है, इतनी गाड़ी आ चुकी है कि पूरा महल खरीद लेगा। कुछ भी बोलता है यार, थारा भाई जोगिंदर देख के ना ये भी तरीका क्या सीख गया, कुछ भी बोलता रहता है। तो अभी फटाक से यार ब्रेकफास्ट करेंगे, भूख लग रही है बहुत तेज, यहाँ पहुँचते पहुँचते 12:30 हो चुके हैं हमें। अब जानबूझ के कम खाना खाया तो भूख लग रही है। मेरा पाला बेबी और चीकू का फेवरेट है भटूरा, तो इसलिए चीकू को भी खाने आए हैं, है ना चीकू? बोल वो बात। हाँ बैटमैन नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला स्पाइडरमैन चला दे, वो उसमें क्या लगवाए? कुछ नहीं लगा, तू पहले स्पाइडरमैन सॉन्ग का, वो पीपल है स्पाइडरमैन सॉन्ग, स्पाइडरमैन ये भटूरे कैसे हो रहे भाई साहब? काफी हैवी यार, मजा आ जाता है इसके भटूरे खा के, ऑसम ही फन है यार, ऑसम ही फन है यार। पर फिर भी टेस्ट है यार, भयंकर टेस्ट है, फिर भी टेस्ट है इसमें, भयंकर टेस्ट है। देख लो कॉपी कर रहा है पगली। भटूरे खाने के बाद आराम से हमने जो नमकीनें लेनी थी वो ले ली थैली में, बाकी चीकू को लेके गए ENT वाले डॉक्टर पे, बट डॉक्टर बैठा नहीं था, उन्होंने बताया 1 बजे तक बैठता है, तो अब कल दोबारा लेके आऊँगा चीकू को डॉक्टर के। और ये दोनों बच्चों को आ रही है नींद, नींद आ रही है भाई, हैं ये क्या है, ट्रक कैसे जा रहा है ये टेढ़ा सा, देखना चीकू देखियो ट्रक टेढ़ा हो रखा है, खत्म हो गई नींद, एक्सीडेंट है ना उसको टो करके ले जा रहे हैं। हाँ वही वाला बेटा, तो ये देखो जी एक्सीडेंटल ट्रक, और ये ट्रॉली वाला ट्रक है और इसको टो करके ले जाया जा रहा है, बड़ी गलती आ रहा है भाई, हाईवे पे रिस्क बहुत होता है, हाईवे पे भाई रिस्क बहुत होता है। नहीं मैं के घंटे नहीं, तेरे एक चीज बता, तू हर वक्त कुछ ना कुछ करना ही होता तेरे को, ऐसा क्यों भाई? मामी के घर जाना है, कभी मामा के घर जाना है, कभी बुआ के जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, क्या सीन है तेरा? ये गई एम्बुलेंस, और जितनी देर से सायरन बजा रहा था सबसे इसने हमसे साइड मतलब ओवरटेक ही नहीं किया है, बस सायरन बजाया तो 2 मिनट चल रहा है, 60 की स्पीड हवा में 70 चल रहा है मैक्सिमम, क्या फ़ायदा हॉर्न बजा के, क्या फ़ायदा? अरे हाँ क्योंकि AC चलाया ना मैंने अभी भी भाई, दिसंबर आ गया बट फिर भी गाड़ियों के AC ना चलता है, क्योंकि शीशा खोलते हैं तो साउंड बहुत ज़्यादा आता है अंदर और धूल आती है, नहीं खोलते हैं तो थोड़ी देर बाद गर्मी मतलब ह्यूमिडिटी सी हो जाती है अंदर, हम तो बैठे ही हैं ना क्योंकि, तो चलाना पड़ जाता है। अरे अगर मैं आया तो आधा भटूरा एक्स्ट्रा खाया आज, 2.5 मतलब 1.5 प्लेट खाई है आज, नहीं 1.5 नहीं सॉरी 1 प्लेट के अलावा आधा भटूरा एक्स्ट्रा खाया, मज़ा आ गया था यार, मैं भर लिया मैं यार, क्योंकि अब घर जाके लंच का सिस्टम नहीं बनने वाला इस टाइम, क्योंकि जो उस टाइम पे हमने खाया है 12:30 के आसपास हम खा रहे थे, तो उस टाइम पे लंच का सिस्टम नहीं बनने वाला, उसके बाद तो यही था लंच होगा, अगर भूख लगेगी तो 4 या 5 बजे लगेगी, 5 बजे तक आसपास, तो मैं इसलिए पहले एक्स्ट्रा खा लो कि 5 बजे भूख ना लगे, चाय के साथ कुछ नमकीन ले लेंगे तो सही पेट हो जाएगा फुल, तो पेट
बस वाला कर लिया। शाम के बज रहे हैं 6, अब जगह फिर कैमरा उठाया दोबारा घर आ गए थे, पेट फुल था, आते के साथ ही बैठा, व्हील ऑफ टाइम का 5th एपिसोड रिलीज हो गया था वो देख लिया, मज़ा आ गया। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी, क्योंकि 4 एपिसोड देखे थे उसमें समझ इतना ज़्यादा नहीं आया था, अब ठीक है। बाकी आधी अभी तक सो रहा है, 4 बजे तो सुला दिया था हमने, 6:15 हो रहे हैं, 2.25 घंटे सो चुका है, वो उठने ही वाला होगा। और इसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो अब इसकी शैतानियाँ स्टार्ट होती है। हैं भाई चिकड़े चिकड़े, ये देखो अमन ने वो चश्मा बना दिया इसने, बहुत बढ़िया। और अभी अपनी चाय बन के रेडी हो गई है, जो कि इसने बनाई है। बाकी हम बोले आए ना आज नमकीन हमारी ये रही, चाय के तो खाएंगे अब दबा के, मतलब वही वाली बात हो जाएगी, चाय तो ठंडी नहीं होगी तब तक इसके बाइट्स लेते रहेंगे, जब ठंडी जाएगी फिर एक घोट में चाय ख़त्म फिनिश हो जाएगी। वैसे आज जो है लास्ट एपिसोड टुंगनाथ राइड का मैंने डाल दिया था, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं है, सिर्फ 4 व्यूज़ अभी तक। कितने घंटे हो गए, 1 बजे लॉन्च हुआ था, करीबन 5 घंटे हो गए, 5 घंटे 4 व्यूज़। देख रहे हो कितनी मेहनत करते रहो, व्यूज़ नहीं आते, रीच ही नहीं दे रहा यूट्यूब, पता नहीं क्या ही हो गया है। कोई नहीं, देखा जाएगा, रुकेंगे नहीं। पर 7:45 बज गए हैं और आधी को उठा दिया गया है, और उठते ही इसके रखते, देखो क्या हुआ आदि, टकलू अभी भी सो के उठा है और उड़ते के साथ ही एनर्जी देखो उसके अंदर, मस्त यार, मतलब फील हुआ मुझे, मैंने गलती कर दी पहले उठाने से, पहले कैमरा ऑन करना था और दिखाता है कैसे कैसे उठा है, मतलब मस्त तरीके से उठा है, एकदम आँख खोली है, थोड़ी सी अंगड़ाई लिया, उसका फिर उसकी हरकतें स्टार्ट हो गई। बाकी यार शोर आ रहा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के मैं डे ब्लॉग की एडिटिंग करूँगा, सुबह वही 11:30-11:30 डाल दूँगा, टाइम बिगड़ चुका मेरा, मैं समझ गया हूँ, बंद कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा शोर है। सो मुझे पता है मेरी टाइमिंग बिगड़ चुकी है बहुत ज़्यादा, पहले सुबह 9 बजे नेट आता था मेरा ब्लॉग, 9 नहीं तो 9:30 या 10 बजे मैक्सिमम होता था, 9 बजे मेनली मैं डालता ही था, जैसे रात को एडिट करके मैं सुबह के लिए लगा देता था, बट अभी क्या हो रहा है मैं रात को एडिट नहीं कर पाता हूँ, सुबह उठने के बाद करता हूँ, क्योंकि ये ना आलस वाले दिन हो गए हैं, गंदे वाले, और दूसरा ये भी है कि मेरे पास कोई बैकअप ही नहीं है, तो ये भी दिक्कत है, जब रात को 9:30-9 बजे मैं वीडियो एंड करूँगा तो कहाँ मैं उसके बाद एडिट करने बैठूँगा यार, क्योंकि कैसे बताऊँ, मतलब बैचलर वाली लाइफ तो है नहीं कि भैया फ्री हैं भाई, वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, सब देखना होता है, खेलना कूदना होता है, मस्ती करनी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों की अटेंशन उनको देना बहुत ज़रूरी है, कि वो बच्चे जो है ना अटेंशन सीकर होते ही हैं, मतलब उनको चाहिए मम्मी पापा की अटेंशन, तो यही थोड़े से रीज़न्स हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी आगे कोशिश करूँगा दोबारा से मैं वापसी टाइम पर आ जाऊँ, दोबारा 9 बजे सुबह डालने लग जाऊँ वीडियोज़, तो जैसा भी होगा वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा।